हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस प्लस टीवी सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है राइट right? uh, आपको याद ही होगा पिछले वीडियोस में आई हैव स्टार्टेड टू डिस्कस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस विद यू तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं ठीक है थीके? आज का हमारा टॉपिक रहेगा टू अंडरस्टैंड द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस सो लेट स्टार्ट आर टॉपिक इन माई प्रीवियस वीडियोज आई हैड डिस्कस विद यू एट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जिनमें से मेरे पिछले तीन वीडियोज में आपने सब्सटीट्यूशन एडिशन और एलिमिनेशन टाइप्स को अच्छे से समझ लिया है इफ स्टिल यू हैव कन्फ्यूजन्स यू कैन गो टू माई चैनल एंड वॉच द वीडियोज अगेन रीअरेंजमेंट okay. रिएक्शन so जो कि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है सो लेट स्टार्ट विद इट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट क्लियर टू यू वट रीअरेंजमेंट रिएक्शन आर ये रिएक्शन क्या होती है इसमें क्या क्या होता है स्टूडेंट्स एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट माइग्रेट फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम विद इन द सेम मॉलीक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम और ग्रुप का माइग्रेशन हो जाना एक पोजिशन से दूसरी पोजिशन पे और उससे एक नए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाना सो सच काइंड ऑफ रिएक्शन आर नोन एज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस द रिएक्शन विच इन्वॉल्व माइग्रेशन ऑफ एन ऐटम और ग्रुप फ्रॉम वन ऐटम टू एन अदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल आर नोन एज री अरेजमेंट रिएक्शंस Uh, इसको समझने के लिए ना वी हैव टेकन टू थ्री एग्जाम्पल्स जिनको हम अभी देखेंगे डिटेल में उनके रिएक्शन के साथ सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैम बेटर वे ओके द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज डीहाइड्रेशन ऑफ टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन वन ओल ठीक है इसमें हम क्या देखेंगे कि वन टू माइग्रेशन होगा मिथाइल ग्रुप का और एक रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा एक एल्कीन बनेगी लेट्स सी इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे 2 टू डाइमिथाइल प्रोपेन वैनोल कैसा होता है इट इज अMolecule समथिंग लाइक दैट ठीक है जब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है तो इसमें जो है इस तरह से कुछ चेंजेस आ जाते हैं यू कैन सी राइट तो यहाँ पर एसिडिक uh, एनवायरनमेंट uh, में इसमें हाइड्रोजन आयन का एडिशन हो जाता है बाद में नेक्स्ट स्टेप में दिस ओ एच टू दैट मीन एच टू ओ इज रिमूव्ड राइट एंड वी गेट अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन जिसमें इस कार्बन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाता है बट एज वी नो प्रीवियस वीडियोज में मेरे पहले किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जो है स्टेबिलिटी के बारे में बात की थी सो वी नो दैट द टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल देन द प्राइमरी तो यहाँ पर क्या होगा ये मिथाइल आयन मिथाइल ग्रुप जो है इट विल माइग्रेट टू दिस पोजिशन एंड वी विल गेट अ टर्शरी कार्बोकेटाइन थ्री डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा हमें जो कि ज्यादा स्टेबल होगा नाउ इन दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस वी विल गेट द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन आयन एंड फाइनली वी विल गेट टू मिथाइल ब्यूट टू इन इस तरह से हमें एक एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी ओके सो यहाँ पर क्या हुआ सिंपली कुछ नहीं हुआ सिंपल एक माइग्रेशन ही हुआ जिसकी वजह से हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल गया यहाँ देखिए यहाँ एच आयन ऐड हुआ था हाइड्रोजन आयन यहाँ पर ऐड हुआ था और लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल भी गया सो फाइनली वी डेंट लाइक वी डेंट डू एनीथिंग इन दिस रिएक्शन इसमें पर्टिकुलरली सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ कि जो हमारा <coughs> किसी भी एक जो ये ग्रुप था मिथाइल ग्रुप इट शिफ्टेड फ्रॉम वन पोजिशन टू दी अदर पोजिशन लेट सी दी अदर एग्जाम्पल ये है हमारा वॉलर सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम सानेट ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बहुत ही फेमस रिएक्शन है इसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम अमोनियम सानेट इसमें भी दो स्टेप रहेंगे पहला स्टेप जो होगा उसमें अमोनियम सानेट का फॉर्मेशन होगा इसमें मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइनेट को लिया जाता है जिसका डबल डिकम्पोजिशन होगा हीट करेंगे इसको हीट की प्रेजेंस में वी विल गेट अमोनियम सानेट ठीक है अमोनियम साइनेट की फर्दर हीटिंग से क्या होगा अमोनिया विल बी रिलीज एंड वी विल गेट अ मोलिक्यूल एच ओ सी एन ठीक है ये मोलिक्यूल जैसे ही हमें मिलेगा तो यहाँ पर जो अमोनिया के जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी अटैकिंग द कार्बन एंड वी विल गेट एन आयोनिक एंटिटी समथिंग लाइक दिस तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर से ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन रहेगा जिसमें यहाँ से हाइड्रोजन आयन इस पोजिशन पे चला जाएगा एंड वी विल गेट दिस प्रोडक्ट, ओके और इसी प्रोडक्ट का टोटोमराइजेशन हो जाएगा टोटोमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि रीअरेंजमेंट कुछ इस तरह से होना कि इसका जो है मोलिकुलर जो, फॉर्मूला जो है, सेम रहे बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग हो जाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं दोनों का ही अलग अलग है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप था और यहाँ पर हमारे पास किटोनिक ग्रुप आ जाता है एनएच टू सीओ एन एच टू जो की हमारा फेमस कंपाउंड है कॉल्ड यूरिया ठीक है सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट रिएक्शन ओके द थर्ड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू कंसिडर नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज हॉफ मान ब्रोमाइड रिएक्शन ओके दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स प्राइमरी अमाइड से हमारे पास क्या बनेगा प्राइमरी अमीन बनेंगे ठीक है इसमें जो है प्राइमरी अमाइड्स को ट्रीट किया जाएगा विद ब्रोमेन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सो दीज आर द्व कैन सी द रियक्शन स्टेप बाई स्टेप प्राइमरी अमाइड को जो है एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट समथिंग लाइक दिस ठीक है तो ओ एच आइंस की प्रेजेंस में इसी तरह से यहां पर भी जो है रीअरेंजमेंट होगा ब्रोमाइड आयन विल बी रिलीज और फाइनली जो ये प्रोडक्ट बनेगा इसमें रीअरेंजमेंट होगा मिथाइल ग्रुप विल बी शिफ्टेड टू नाइट्रोजन लोन pair विल शिफ्ट to बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड वी विल गेट फाइनल प्रोडक्ट और इसको जब hydrolysis करेंगे तो यहां पर हमारे पास जो आ, ये जो कंपाउंड है यहाँ पर हमारे पास आर एन एच टू आ जाएगा अमीन बन जाएगा साथ में पोटेशियम कार्बोनेट रिलीज हो जाएगा सो दिस इज ऑल्सो अ मल्टी स्टेप रिएक्शन इसमें क्या होता है सिंपली रीअरेंजमेंट होता है एंड वन प्रोडक्ट इज कन्वर्टिंग इन टू अदर प्रोडक्ट आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे इन दी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आई एल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो